जी आप जानते हैं कि जो है एज़ पर डायरेक्शंस हमें जो है ज़िले की क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ जो हमारी है कोविड-19 से डील करने के लिए उसको ऑगमेंट किया जा रहा है। उसी के तहत कम्युनिटी हॉल डोडा को जो है वो हमने एज़ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट उसको क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। 80+ बेडेड कैपेसिटी वहाँ पर ऑलरेडी हैं, डॉक्टर्स वहाँ पर पोजिशन कर दिए गए हैं, तो इमरजेंसी के टाइम पर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, और जो ये सायरन कल कल यहाँ पर एक रखा गया है कि टाइम पे सायरन बजा दिया जाए डॉक्टर्स वगैरह के, उसके बारे में। हाँ, कल आप देखते हैं कि कल जैसे हिदायत थी कि 5 बजे जो है वो सारे सिक्योरिटी स्टाफ को और उनको सबको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए हमने कुछ एग्रीगेशन करा था, तो इसमें बड़ी अच्छी बात है कि लोग कोई भी बाहर नहीं निकले और जो जिस तरीके से अपने अपने घरों में बैठ के लोगों ने जैसे सबको अभिनंदन करना था वो उन्होंने व्यक्त किया। सर, और ये लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से 31 मार्च तक के लिए? आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कल संडे को 22 मार्च को जिस तरीके से आप अपने अपने घरों में रहे और जनता कर्फ्यू का जिस तरीके से आपने सम्मान किया, मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी डोडा पूरे ज़िले में जो है लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे कि जो है कोई घर से बाहर बहुत कम लोग निकल रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं निकल रहे हैं। इसी तरीके से अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, जैसे मैं आपके माध्यम से सारे डोडा के हमारे लोगों को जो है अभिनंदन करना चाहूँगा, उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, इसी तरीके से आने वाले दिनों में आप जो है वो जब तक डायरेक्शंस नहीं मिले इसी तरीके से घर से बाहर कम निकले, अपने अपने घरों में रहे। हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि आपके जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे वो ग्रोसरीज़ हैं, वेजिटेबल्स हैं, दूध के प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके घरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसीलिए कम से कम आप घरों से बाहर निकलें। सर, जो प्राइवेट व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो प्राइवेट व्हीकल्स भी 31 मार्च तक जो है क्लोज कर दिए गए हैं, इसके बारे में? जी, जैसे हमने जो है सारे पैसेंजर व्हीकल्स ऑलरेडी बंद कर दिए, पहले कर दिए गए थे। इन नो इवेंट कोई भी पैसेंजर व्हीकल जो है वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं चलेगा। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो केस टू केस बेसिस पे अगर इमरजेंसीज होगी तो उसके लिए स्पेशली पासेस जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किशोरी लाल जी है उनके ऑफिस से वो इशू हो जाएंगे। और जो इमरजेंसी और एसेंशियल व्हीकल्स हैं उनको जो है इस चीज़ से बाहर रखा गया है, जो गवर्नमेंट एसेंशियल व्हीकल्स हैं वो जो है वो मूव कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे व्हीकल्स जो है वो पासेस से बाहर करेंगे। थैंक यू।